रोहित शर्मा ने वो कर दिखाया जो महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली जैसे कप्तान भी अभी तक नहीं कर पाए। क्या कर दिखाया है रोहित शर्मा ने और क्या एक इतिहास बना दिया है यहां पर भारतीय टीम ने, ये बताने के लिए मैं सारांश क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बात की जाए यहां पर जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ भारतीय टीम का और 12 बैक टू बैक यहां पर T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भारत ने जीते। इस क्रम में पहले ही यहां पर पाकिस्तान को पछाड़ चुकी थी भारतीय टीम, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड्स मानो पीछा कर रहे थे रोहित शर्मा का, और एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा यहां पर स्थापित करते जा रहे थे। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में वहां पर बैक टू बैक मैचेस जीतने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा विराट कोहली का, जिसके बाद अब 12 मैचेस जीतने का जो है रिकॉर्ड यहां पर कायम कर दिया है, जो कि अफगानिस्तान के बराबर हो चुका है। अगर बात की जाए सिलसिले की तो 3 मुकाबले जो है विराट कोहली की कप्तानी ने भारतीय टीम ने जीते थे, जिसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप जो है खराब रहा। पर बाइलैटरल सीरीज की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका गई थी वहां पर टीम खेलने, जिसमें T20 मुकाबले शामिल नहीं थे और वो सीरीज इतनी अच्छी नहीं घटी थी। पर फिर जब नए कप्तान यहां पर नियुक्त किए गए रोहित शर्मा, जब उन्होंने बैटन हाथ में लिया कप्तानी का और वहां से एक शुरुआत हुई एक नए युग की और युवाओं को मौका देने की, जिस तरह से रोहित शर्मा ने युवा टीम के साथ में बैक टू बैक सीरीज पहले अपने नाम की और फिर रिकॉर्ड तोड़ना एक के बाद एक शुरू कर दिया रोहित शर्मा ने। अगर बात की जाए उनकी कप्तानी के बारे में तो काफी युवाओं को इस बार भरोसा दिखाया है, उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत जैसे नाम उनके पास में टीम में मौजूद नहीं थे सिलेक्शन के लिए, फिर भी युवाओं पर भरोसा दिखाते हुए आगे बढ़े हैं और क्या खूब आगे बढ़े हैं ये कहा जाएगा, और इतिहास रचने की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये जो विजयी रथ है मानो इस पर ऐसे सवार हुए हैं कि कोई पगबाधा वहां पर रास्ते में दिखाई नहीं दे रही है, जिसपे चलते जा रहे हैं रोहित शर्मा सारथी बनकर, पूरी टीम जो है पीछे साथ में उनके बैठी है इस रथ पे जीत के। अगर बात की जाए रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में तो पहले DRS को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता था, पर अब DRS को डेफिनेटली रोहित सिस्टम कहा जाने लगा उनकी कप्तानी के अंडर। पहले वेस्ट इंडीज को वहां पर 3-0 से हराया T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में, और फिर श्रीलंका को वहां पर धोकर रख दिया, मुंह की खानी पड़ी श्रीलंका को यहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी के सामने, और फिर एक बार 3-0 से जो है सफाया कर दिया, जिससे पहले न्यूजीलैंड को वहां पर हराया था। तो बहुत ही अच्छी कप्तानी यहां पर रोहित शर्मा की देखने को मिली है, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इस कीर्तिमान को स्थापित करने में कामयाब हो पाई है और 12 मुकाबले लगातार यहां पर बाइलैटरल सीरीज में जीतने का कीर्तिमान यहां पर स्थापित कर दिया भारतीय टीम ने। वैसे आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन है एक बेहतर कप्तान, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है सारांश, शुक्रिया।